किरण राजीव जी, सड़क की राजनीति सत्ता को परेशान करती ही है, इससे तो कहीं कोई इनकार कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तो एक आकर्षण भी बढ़ा है, उनके प्रति एक आकर्षण रहता है। सिर्फ यही होता है कि वो बीच में जो गायब हो जाते हैं तो उसको लेकर के जितना वो कमाते हैं उतना वो गंवा देते हैं। तो अगर इस पर वो काबू पा लेंगे, अभी तक तो लग रहा है, अभी उनकी कंसिस्टेंसी लग रही है कि अगर इस पे चलते रहे और कांग्रेस के इथोस को, कांग्रेस की नीतियों को अगर सामने लाते रहे और बताने की कोशिश करें कि साहब हम चाहते हैं हमारा जो देश बनाने की हमारी जो कल्पना है, हमारी जो योजना है, हमारी जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, वो क्या है, किस आधार पर हम करना चाहते हैं। देखिए, बेरोजगारी का विरोध तो हम लोग करते ही रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तब से ही करते रहे हैं कि साहब रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी। आज नौजवानों को हमने सुना, बच्चियां थी वो भी नारे लगा रही थी, तो लेकिन जब जनता पार्टी सरकार आई तो भी रोजगार नहीं दे पाई। भाजपा के लोग लगाते रहे, भाजपा की सरकार बनाई, दो दो करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, कहीं रोजगार नहीं दे पाई, रोजगार तो छिनते ही चले गए। महंगाई हटाना है तो महंगाई कैसे हटाना है, उसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी जब सरकार थी तो उस समय भी तो महंगाई थी ही थी, ऐसा तो नहीं था, अब आज थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। तो एक कार्य योजना आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच में बताने की कोशिश करनी होगी, बतानी होगी। और दूसरा ये कि देखिए, कांग्रेस जैसे आज हालत है, कांग्रेस को खुद के भरोसे राजनीति करनी पड़ेगी। अब केजरीवाल कांग्रेस की मदद करेंगे या नीतीश कुमार करेंगे या अखिलेश यादव करेंगे या ममता बनर्जी करेंगे, अगर करना ही होता तो ये लोग कांग्रेस के साथ होते ना, कि कांग्रेस से अलग होकर, मतलब अलग होकर के पार्टी क्यों बनाते। तो उसके भरोसे नहीं रह करके कांग्रेस को पहली बात तो ये तय करनी पड़ेगी कि हम क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सांप्रदायिकता या फांसीवाद का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम किन दलों को साथ लेंगे, ये अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो या तो पहले एक बार तय कर लीजिए। अब ये कहना, देखिए ये तो बार बार कहा ही जा रहा है कि साहब केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है या आरएसएस के रिचार्ज हैं, ये सब बातें आप कहते रही है, लेकिन आपने केजरीवाल को कमजोर करने में क्या किया? केजरीवाल की राजनीति को फलने फूलने ना पाए भाई। अब पंजाब में आप हार गए बना लिए, तो बी टीम कौन रह गया, किसके वोट काटा उन्होंने भाई? आपकी सरकार थी, आप अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। एक समय जब था शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी और केजरीवाल जब आ रहे थे राजनीति में, तो कहा जा रहा था साहब ये तो कांग्रेस की ही बी टीम है, क्योंकि संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे और अरविंद केजरीवाल का क्या एनजीओ था और कैसे कैसे क्या सब संपर्क जोड़ा जा रहा था। लेकिन पता लगा कि कांग्रेस भी साफ हो गई और बीजेपी साफ हो गई, केजरीवाल आ गए। और जब से आ गए तब से कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है, दिल्ली में हो या मान लीजिए पंजाब में ही सरकार बन गई तो पंजाब में कांग्रेस ने इतने दिनों में क्या किया जिससे लगे कि हाँ साहब आप कुछ करना चाहते हैं? तो कह देने में तो बड़ा आसानी होती है कि बी टीम है, सी टीम है या रिचार्ज कूपन है, कुछ भी है। तो इससे तो बात नहीं बनने पड़ी है, आपको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा। देखिए बात यह है, मुझे लगता है जो राहुल गांधी की रणनीति एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। देश में जो लोकसभा की सीटें हैं 250 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं, ऐसे राज्यों में हैं जहां कांग्रेस सामने बहुत, कर्नाटका में जैसे मान लीजिए है या केरला में कम्युनिस्ट हैं, केरला में तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का ही आमना सामना है, लेकिन सीधी फाइट में है कांग्रेस। तो इन सीटों पे केंद्रित करने की रणनीति कांग्रेस की लगती है, और उसमें सीधा सा समीकरण यह कि अगर उन पे हम पूरी तरह से, मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश से बहुत ताकत लगाएंगे तो 2-4 सीट मिल जाएगी या 5 मिल जाएगी, बहुत होगा तो 10 भी मिल सकती होगी। लेकिन उतनी ताकत अगर वो कर्नाटका में लगाएं, अगर केरला में लगाएं, अगर राजस्थान में लगाएं और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लगाएं, तो जहां जहां जीरो रहे वहां से तो आप अधिक सीटें आपको मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी सघन कार्य योजना में कहीं ना कहीं यह है कि कम से कम 150 सीटें कांग्रेस के पास आए। अगर 150 सीटें आ जाती हैं यकीन मानिए, और अगर विपक्ष सरकार बनाने में आती है तो यकीन मानिए कि राहुल गांधी या कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अगर इनकी सीटें 100 से कम हो जाती तो फिर यह भी यकीन मानिए कि साहब तब कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा,
कांग्रेस समर्थित तीसरे मोर्चे को कहें या जो भी कहें, जैसे भी कहें, उसका कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए इसको बहुत ही क्लियर समझ के रखना होगा। अब दूसरी बात यह है, जैसे हमारे मित्र सुनील ने कहा बीच में कि साहब कांग्रेस को छोड़ करके सभी दलों ने भाजपा का साथ दिया है, भाजपा को फलने फूलने में मदद की है। मैं उसके लिए थोड़ा सा इतिहास को दुरुस्त कर देने की कोशिश करना चाहता हूं कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में, उनको हटाने में, उनकी सरकार को गिराने में कांग्रेस और भाजपा एकजुट हो गए। यह ऐतिहासिक संदर्भ है जिसमें कांग्रेस और भाजपा एक साथ आए थे, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए भाजपा को कौन, भाजपा के लोग तो किसी का भी समर्थन मिल जाए, किसी का भी सहयोग मिल जाए, एन के प्रकार हर तरह से करने को तैयार रहते हैं। झुकने होगी तो झुक भी जाएंगे, तनना की जरूरत होगी तन भी जाएंगे, दाएं चलना होगा दाएं चल देंगे, बाएं चलना होगा बाएं चल देंगे, क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य है। आज बाकी दलों के पास कोई उस ढंग से दूरगामी लक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर वो कोई काम कर सके। अब आज देखिए, अभी कर्ण सिंह का बयान आ रहा था बीच में, कहीं देखा मैंने, साहब कांग्रेस में मेरे लिए कोई भूमिका नहीं है। अब कोई भी पत्रकार एक बार कर्ण सिंह से पूछे कि साहब कर्ण सिंह जी, आप कांग्रेस में, कांग्रेस की किस नीति से प्रभावित होकर के रहे अभी तक, क्या हैं आप, कांग्रेस की कौन सी ऐसी नीति है जिससे आप कांग्रेस से जुड़े रहे अभी तक, सिवाय सत्ता और संसद में रहने के अलावे और तो कोई क्या है? यही हाल अधिकतर कांग्रेसियों का है, कांग्रेस के नेताओं का आज की हालत में यही है। अगर कांग्रेस की नीति से जुड़े रहे, सांप्रदायिकता के विरोध की राजनीति से जुड़े रहे, सामाजिक न्याय से जुड़े रहे, धर्मनिरपेक्षता से जुड़े रहे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या करने जा रहा है? इसका मतलब कि आप कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के सोच से प्रभावित होकर के कांग्रेस की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस से क्या आपको हासिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसके लिए आप राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और माफ कीजिएगा, ठीक है 2024 में आज की हालत में जो महंगाई है, बेरोजगारी है या और सारे इश्यूज हैं, उसको लेकर लगता है कि भाजपा कमजोर हो रही है, लेकिन भाजपा के पास जितने संसाधन है, जितना मीडिया का है, जितना उनके पास जो मजबूत आरएसएस का संगठन है, ये सारे को रहते हुए बहुत ज्यादा उम्मीद करने की बहुत जरूरत हमको लगती नहीं है। हाँ ये है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, अगर विपक्ष एकजुट होकर के चुनौती देता है तो बात बन सकती है, लेकिन उसके लिए भी नाको चने चबाने होंगे। बहुत आसान जैसा कोई समझ ले तो ऐसा नहीं है होने वाला है। अब आप देखिए मुश्किल क्या है कि जब भी थोड़ी सी चर्चा होती है कि भाजपा कमजोर हो रही है, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार ने पाला बदला तो उसके बाद लगा कि नहीं साहब कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, या राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की, पदयात्रा शुरू की, तो उसके बाद से लगा कि साहब कांग्रेस कुछ मजबूत हो रही है, सरकार कुछ कमजोर है। अब इसके बाद ही नए नए चेहरे आने शुरू,